टीम इंडिया के श्रीलंका टूर से रिलेटेड कुछ मेजर अपडेट आया है। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को पता ही होगा कि जिम्बाब्वे टूर के बाद टीम इंडिया श्रीलंका में 3 ODI और 3 T20 मैचेस खेलेगी। श्रीलंका टूर के लिए टीम अभी अनाउंस नहीं किया गया है, लेकिन श्रीलंका टूर से रिलेटेड कुछ मेजर अपडेट आया है। फर्स्टली, श्रीलंका टूर से ही गौतम गंभीर एज अ हेड कोच टीम इंडिया को संभालने वाले हैं। कुछ रिपोर्ट्स के मानो तो श्रीलंका के साथ जो 3 ODI मैचेस इंडिया खेलेगी उस सीरीज में गौतम गंभीर, विराट कोहली, रोहित शर्मा, जसप्रीत बुमराह और रविंद्र जडेजा को टीम में चाहते हैं। T20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद प्लेयर्स को 6 वीक का रेस्ट मिल गया है, तो कोई इशू शायद नहीं होगा। सेकेंडली, हार्दिक पांड्या BCCI को ऑलरेडी इन्फॉर्म कर दिया है कि वो श्रीलंका के साथ जो 3 ODI मैचेस खेला जाएगा उस स्क्वाड का हिस्सा नहीं रह पाएंगे ड्यू टू सम पर्सनल रीजंस। हालांकि हार्दिक पांड्या 3 T20 मैचेस के लिए अवेलेबल होंगे और टीम इंडिया को लीड भी करेंगे। अगर रोहित शर्मा ODI टीम में नहीं होते हैं तो उनके जगह KL राहुल या फिर शुभमन गिल टीम को लीड कर सकते हैं। तो गाइस, आपको क्या लगता है, क्या हमें रोहित शर्मा श्रीलंका टूर में टीम इंडिया को लीड करते हुए दिखेंगे? आपका क्या ओपिनियन है मुझे कमेंट में जरूर बताना।